नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं अजिता। सतना में हुए गोलीकांड को लेकर पूर्व विधायक मऊगंज सुखेंद्र सिंह बन्ना ने कहा कि यह गोलीकांड बड़े ही दुर्भाग्य का विषय है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि थाने के अंदर गोली मार दी गई। भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान की जब से सरकार बनी है तब से कानून व्यवस्था चरमरा गई है। जिस तरह से भाजपा सरकार ने प्रशासन को खुली छूट दे रखी है, इसमें पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने बताया कि पूरी तरह से भाजपा की सरकार दोषी है। जिन पुलिस वालों ने गोली मारी है उनके ऊपर तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए और 302 का अपराध कायम होना चाहिए। वहीं रीवा संजय गांधी अस्पताल में मृतक को छोड़ दिया गया, इसमें भी पूरी तरह से पुलिस ही दोषी है। सतना में जो गोलीकांड हुआ बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि सरेआम थाने में गोली चला करके छोटे मोटे अपराध हुआ भी था कि नहीं भी हुआ था, गोली मार देना, मैं समझता हूँ कि इतिहास की बहुत मतलब एक अलग घटना है। हो सकता है पहली बार ऐसी घटना घटी जो रक्षक हो वो भक्षक साक्षात दिखाई दे। मैं समझता हूँ कि शिवराज सिंह चौहान की जब से ये 3 महीने की सरकार बनी है उन्होंने इस तरीके से खुलेआम प्रशासन और शासन को छूट दे रखी है कि चाहे जो जिस विभाग में है लूट करे, हत्या कर दे, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, ये अस्पष्ट दिखाई देने लगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ इसी तरीके के जब वो मुख्यमंत्री थे तो हमारे क्षेत्र हनुमना में एक घटना घटी थी। मैं इसी रीवा में और कुछ सवाहा समाज के ही लोग मरे थे, मैंने 302 की कायमी खड़े होकर के करवाया था, 13 पुलिसकर्मी उसमें सस्पेंड हुए थे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से ये पुलिस प्रशासन सरेआम गोली मारा और उसमें पुलिसकर्मी सहयोगी थे, तो मैं समझता हूँ इसमें पूरी तरह से शिवराज सरकार दोषी है, उन्होंने छूट दे रखी है और इसमें तो सीधे सीधे उन पर 302 का अपराध कायम होना चाहिए और इसके बाद उसका पोस्टमार्टम हो और उसकी जुडिशियल जांच हो, ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है। तो मैं समझता हूँ कि मुझे जो जानकारी आई है तो उसमें 302 की कोई कायमी नहीं हुई है, थोड़े बहुत लालच दे करके जबरदस्ती रीवा अस्पताल में ला करके पोस्टमार्टम के लिए फेंक दिया गया है। मैं समझता हूँ कि इस पर पूरी तरह से शिवराज सरकार दोषी है और पुलिस पूरी तरह से दोषी है। अभी आप लोगों को जानकारी लगी होगी, एक ADG नंगी नाच कर रहे हैं, अपनी पत्नी को सरेआम पीट रहे हैं, रखे ये क्या है। मैं समझता हूँ कि यह पूरा तानाशाही शासन चल रहा है और खुलेआम छूट दे रखी है और शिवराज सरकार ने इसके सरेआम मुख्यमंत्री दोषी। ये मांग का विषय ही नहीं है, मांग तो वहाँ पर होती है जहाँ कुछ सस्पेंस होता है, वहाँ तो सीधे सीधे सरेआम गोली चली है और दरोगा के रिवाल्वर से गोली चली, और जब रिवाल्वर से गोली चली है तो वहाँ पे जांच किस बात की, जांच का विषय बाद में आता है, कोर्ट का विषय ही है, बसरते वहाँ पे गोली चली है और सीधे सीधे 302 की कायमी होनी चाहिए। और पुलिस अगर हम, मैं ये पूछना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, पुलिस प्रशासन से, शिवराज जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर आम आदमी पुलिस को एक झापड़ मार देता है या मारे या न माने, सामान्य भाषा में बात कर दे, तो 353 का अपराध तत्काल पुलिस कायम कर देती है। कई जगह तो ऐसे आए कि एक झापड़ मारने पर 307 पुलिस ने कायम कर दिया है। तो हमारे कहने का मतलब थाने में सरेआम जो एक मतलब आम जनता थाने जाती है अपनी सुरक्षा के लिए कैसे जाएगी, ये तो पूरी तरह से विश्वास ही उठ गया। तो इसमें तो सीधे सरेआम 302 का अपराध दर्ज करके और सीधे मुलजिम गिरफ्तार करके तब पोस्टमार्टम कराना चाहिए और इसके बाद आगे की कार्रवाई होनी चाहिए, आइए जुडिशियल जांच का विषय। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।